गर्मियों में एसी के टेम्परेचर को लेकर विवाद हो या सर्दियों में ज्यादा ठिठुरन महसूस करना, कई बार पुरुषों को महिलाओं का टेम्परेचर को लेकर इतना सेंसिटिव होना समझ नहीं आता है। सिर्फ घर ही नहीं, आपने ऑफिस में भी महिलाओं को एसी का टेम्परेचर बार बार कम करने के लिए कहते देखा होगा। तो ऐसा क्या है जो महिलाएं बार बार ठंड लगना, असहरन महसूस करना जैसी चीजों की शिकायतें करती रहती हैं? शरीर को गर्म रखने वाली मसल्स का कम होना। तो बता दें कि महिलाओं में शरीर को गर्म रखने वाली मसल्स कम है, साथ ही स्किन और मसल के बीच फैट ज्यादा, जो ब्लड वेसल्स और स्किन के बीच की दूरी को बढ़ाता है, जिससे महिलाओं को ज्यादा ठंड लगती है। मेटाबॉलिक रेट का कम होना। महिलाओं का मेटाबॉलिक रेट पुरुषों से कम होता है, जिस वजह से महिलाओं की बॉडी में कोल्ड टेम्परेचर में हीट प्रोडक्शन कम होती है और उनके बॉडी टेम्परेचर में गिरावट आती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन उनके बॉडी और स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेस्टेरोन ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, जिससे शरीर के कई हिस्सों तक ब्लड फ्लो कम होता है। महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन बैलेंस काफी बदलता है। ऐसे में वर्क प्लेस में पर्सनल कंफर्ट सिस्टम जैसे थर्मल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर और जरूरत के हिसाब से पर्सनल वर्क स्टेशन पर डेस्कटॉप के पास पंखे, हीटर, कंबल और फुट वार्मर दिए जाने चाहिए, ताकि एक पर्सन का कंफर्ट दूसरे के कंफर्ट को इफेक्ट ना करे।